महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए केस में गिरावट तो जरूर नजर आई, पर मौत के आंकड़ों में सुधार नहीं दिख रहा है। शनिवार का राज्य में कोरोना वायरस से 960 लोगों की मौत हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब राज्य में कोरोना वायरस की वजह से इतने ज्यादा लोगों की मौतें हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,838 नए मामले आए, जो पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उनसे लगभग 6,000 कम हुए। और दूसरी तरफ बात करें, शनिवार को 59,073 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, जो पिछले यानी कि शुक्रवार की बात करें तो 53,000 लोग थे और अब 59,000। तो कहीं ना कहीं 6,000 से ज़्यादा केसेस कम भी हुए और 6,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए। राजधानी की बात करें, मुंबई में कोरोना के नए केस में दिन भर दिन गिरावट देखने को मिल रही है। मुंबई में शनिवार को कोरोना वायरस के 1,147 नए मामले आए। जी हाँ दोस्तों, 1,100। आप समझ सकते हैं, इतने बड़े शहर में जो राज्य की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, उसके बावजूद मुंबई में कोरोना की रफ्तार एकदम ना के बराबर हो चुकी है। और इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन को, महाराष्ट्र की जनता को और मुंबईकर्स को, तमाम लोगों को, क्योंकि सभी के सहयोग और जो है नियम पालन की वजह से आज मुंबई कोरोना से उबर चुका है। और इसका सीधा श्रेय जाता है बीएमसी मॉडल को, जिसकी तारीफ देश भर में हो रही है। वैक्सीन लगवाया गया, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम रखा गया, लॉकडाउन सही समय पर लगाया गया और आज हालात इस कदर है कि मुंबई में कोरोना के केसेस 1,147 के करीब पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं लोकल के बारे में। लोकल खोलने के लिए सबसे ज्यादा कवायद लगाई जा रही है, क्योंकि जब मुंबई में कोरोना की रफ्तार इतनी कम है और जब इससे पहले लोकल खुली थी उस समय भी आंकड़े जो है 3,000-2,000 के करीब थे, यानी अब आंकड़े और भी ज्यादा कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई कर्स का मानना है कि जल्द से जल्द सरकार इस बात पे फैसला करे और उनके लिए काम धंधे दुकानें खोलने की व्यवस्था की जाए और हो सके तो पूरे मुंबई को ब्लॉक किया जाए, जो बाहरी लोग आते हैं उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी हो। तो नए नियमों के साथ लोकल